हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आम समस्या है गाइस लड़कियों के लिए, और वो ज़्यादातर हिचकिचाहट की वजह से किसी से शेयर नहीं कर पाती ये बात, और ना चाहते हुए भी वो अंदर ही अंदर घुटने लगती हैं इस चीज़ से। बहुत बड़ी समस्या है ये, जबकि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं होती, ये उनके हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो अब हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए हमको तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर ये प्रॉब्लम सही नहीं होती ना, तो उसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। अब बातों को मैं गोल गोल नहीं घुमाऊँगी। जी हाँ, मैं बताना चाह रही हूँ फेशियल हेयर। जी हाँ, फेशियल हेयर एक बहुत बड़ी समस्या है लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए स्पेशली। क्यों? उनको होता क्या है कि उनके फेस पे ना फेशियल हेयर्स आ जाते हैं जो कि छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े आते हैं। और उसकी वजह से वो जब मेकअप करती है ना, तो उनका मेकअप इतना फ्लॉलेस नहीं दिखता, मेकअप उस फेशियल हेयर के अंदर ही रह जाता है और वो काफ़ी गंदा दिखता है। अगर वो फेशियल हेयर के लिए छुपाने के लिए अगर वो ब्लीच का इस्तेमाल करती है ना, तो ब्लीच तो क्या करता है ना कि पूरे बालों को गोल्डन कर देता है। अब जैसे तो उनकी स्किन टोन अलग रहती है, उस पे से अगर वो ब्लीच का जो कलर चढ़ता है ना, वो कलर अलग दिखता है। ब्लीच भी ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। आप दिन में कितनी बार फेस को वॉश करते हैं, तो उसमें वो चीज़ें मतलब जो उसका कलर रहता है ना, निकलता चला जाता है। और फेशियल हेयर तो वैसे भी फेस पे अच्छा नहीं लगता, तो उसका मैं समाधान लेकर आई हूँ आपके लिए। और मैं चाहती हूँ कि ये हर लड़कियाँ यूज़ करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है गाइस। मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया, इसको मैंने 2 से 3 बार, आई थिंक 3 से 4 बार यूज़ कर लिया मैंने। मैंने सोचा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो मैं इसका रिव्यू नहीं दूँगी, लेकिन अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा तो मैं इसका रिव्यू दूँगी। और मैं चाहूँगी कि हर लड़की इसका यूज़ करें, इस्तेमाल करें, ताकि वो अपने फेशियल हेयर से जो है छुटकारा पा सकें। बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करते, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं बात कर रही हूँ, पहचान गए होंगे आप लोग। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आईब्रो रेज़र और फेशियल रेज़र। इसमें आपको जो है, ये तो ये जो पैकेट है मेरे पास वो आईब्रो रेज़र के नाम से है। आपको ऐसा ही पैकेट टिंकल रेज़र के नाम से भी मिलेगा। इसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिए कुछ तरह इस तरह से आता है गाइस। अधिकतर इसका टिंकल रेज़र के नाम से है, लेकिन ये जो मेरे पास है ये आईब्रो रेज़र के नाम से है, आईब्रो एंड फेशियल रेज़र। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है गाइज। और इसमें ये 3 पैकिंग में आता है, 3 पीसेस आते हैं इसके, पिंक, येलो एंड लाइट ब्लू में आता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और आप सोचेंगे मैंने इसको ऐसे ही बता रही, यूज़ नहीं किया, तो मैंने, आप देख सकते हैं मैंने इसको यूज़ किया, मैंने इसको ओपन किया है। इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले मैं इसको आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह से दिखता है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है गाइस। ये इसके साथ एक कैप आती है और आप देख सकते हैं, मैं आई शेडो कलर लग गया, इसको माइंड मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रिव्यू दिया था, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है गाइस। बहुत ही मतलब बड़े ही अलग तरीके से बनाया गया है गाइस। ये कुछ अंदर जिगजैग टाइप का है, इससे कोई कटने फटने का डर नहीं होता, आप इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। और आपको मैं बता दूँ, इसको यूज़ करने जब ये फ्रेश रहता है, आप इसको 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से इसकी मतलब केयर करके, देखभाल करके आप रखेंगे, तो आप इसको एटलीस्ट 3 बार तो यूज़ ही कर सकते हैं एक रेज़र को। आप जो है ना, जब भी आप अपना फेशियल रेज़र कीजिए, देन इसको वाइप से साफ़ कीजिए, और हो सके तो इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए आपको डेटॉल के अंदर थोड़ी देर के लिए डिप कर दीजिए, देन इसको साफ़ कर दीजिए। तो आपका ये 3 बार रेज़र आपका आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही बात रेज़र की, और चलिए मैं बताती हूँ आपको ये फेशियल रेज़र यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा गाइस। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, लेट्स बिगिन। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है बालों को अपने टाई कर लिया है, यानी चोटी बना ली है बालों में, अच्छे से बालों में चम्पी करके। आप देख सकते हैं खूब सारा तेल लगा हुआ है, बालों में चम्पी की हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। जी हाँ, आपको फेशियल हेयर निकालने से पहले
कोई सब कोई फेशियल हेयर निकालने से पहले आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है या फिर कोई आप जो है एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। यहाँ क्योंकि एलोवेरा जेल सूथिंग का काम करता है तो मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल लगा रही हूँ और इसको मैंने काफ़ी यूज़ भी किया है, आप देख सकते हैं। इसको पूरे चेहरे पर अच्छे से फैला लेना है। सोया आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पास फेशियल रेजर जो कि कुछ इस तरह से दिखता है गाइस। और इसको हमको जो है ना उल्टा नहीं चलाना है, बिल्कुल एकदम ऐसे स्लीपिंग मोड में चलाना है आपको। जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही आपको चलाना है। बहुत हाथों को अपने बिल्कुल बैलेंस बना के चलाना है। यहाँ पे वीडियो आपको बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग में दिख रहा होगा कि बहुत तेज़ तेज़ से चल रहा है, यहाँ पे कितने सारे फेशियल हेयर आ गए। तो ये जो है फेशियल जो रेज़र है वो बहुत फास्ट नहीं चल रहा है गाइस, बहुत स्लो मोशन में ही चल रहा है, लेकिन जो है वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्डिंग में किया गया है तो आपको बिल्कुल बैलेंस बना के ही चलाना है। तो आप देख सकते हैं कितना सारा फेशियल हेयर निकल रहा है। इसको मैं एक कॉटन के कपड़े में साफ़ करती जा रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है। बहुत इजी है चलाना, बहुत इजी है जो है फेशियल रेजर से जो है हेयर निकालना, फेशियल हेयर। यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपका फेस जो है ड्राई हो गया तो आप वापस से अपने फेस को थोड़ा सा गीला कर सकते हैं। सो आपको इस तरह से फेशियल हेयर रिमूव करना गाइज। आप देखिए जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बैलेंस बनाते हुए स्किन को हेड साइड में थोड़ा सा आपको स्किन को टाइट करना है। सो देख सकते हैं आईब्रो पे आपको संभाल के चलाना है। मुझे जो है मेरे हाथ में फेशियल रेजर का कंट्रोल है गाइस, तो मैं जो है आईब्रो तक आ रही हूँ क्योंकि जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा दिख रहे हैं बाल में उनको रिमूव कर रही हूँ। वैसे तो मैं पूरा नहीं जाती हूँ आईब्रो पे क्योंकि खुद मैं डरती हूँ कि कहीं आईब्रो से बिगड़ ना जाए, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप आईब्रो पे ना करें। आपको बस फेशियल हेयर जहाँ से आपको लग रहा है आपके फेस पे बस आपको वहीं पे चलाना है बहुत हल्के हाथों से। आप देख सकते हैं अभी फेस पे मेरे फेशियल हेयर नहीं दिख रहा था, लेकिन सबके फेस पे फेशियल हेयर होते हैं गाइस। कुछ लोगों के बहुत बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, और कुछ लोगों के बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना एकदम से पतले से एकदम बारीक से ऐसे होते जो कि दिखाई नहीं देते, होते सबके फेस पे हैं। आप देख सकते हैं इसके साथ साथ डेड स्किन भी निकल रही है, बिल्कुल फेस एकदम क्लीन हो जाता है। मुझे तो बहुत पसंद आया और मैं तो इसको जब भी कोई मेकअप लुक निकालना होता है तो मैं ज़रूर इसको यूज़ करती हूँ। इस पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए थे लेकिन मैंने सोचा मैं जब तक खुद नहीं ट्राई करूँगी मैं इसका रिव्यू नहीं दूँगी। सो आप देख सकते हैं कितना फेस क्लीन हो चुका है मेरा। यहाँ पे मैं फेस को वॉश करके आ गई हूँ और यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का रोज ही टोनर लगा रही हूँ क्योंकि अभी हमने फेशियल रेजर यूज़ किया तो हमें टोनर लगाना ज़रूरी हो जाता है गाइस। कुछ इस तरह से इसके बाद आप चाहें तो वापस एलोवेरा जेल लगा सकते हैं अपने फेस पर या फिर कोई मॉइस्चराइज़र, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो या आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फेशियल रेजर इस्तेमाल करना, यूज़ करना कितना इजी है और कितना आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भी फेशियल रेजर यूज़ किया है गाइस। और फेशियल रेजर के जो फ़ायदे हैं ना, मतलब आपकी जो आपका जो डेड स्किन है वो भी निकल जाता है, आपका बेस जो है वो बहुत फ्लॉलेस दिखता है। और जो भी फेशियल आप इसको जो है मंथ में दो बार कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड हो। दो बार तो हम आईब्रो भी अपनी क्लीन करते हैं हाँ, लेकिन मैं आईब्रो के लिए आपको इसको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आईब्रो में होता क्या है सेप होते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो गलती से फेशियल रेजर साफ़ करते करते आईब्रो साफ़ हो जाए। तो मैं उसके लिए आपको, अगर आपका कंट्रोल हो जाता है इस पर तो आप कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा बाल आते हैं वहाँ पर, अदरवाइज़ आप शेप देने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि इससे क्या कभी बाय चांस आपके आईब्रो इधर उधर कट गए ना तो मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए मैं आईब्रो पे करने के लिए ना बोलूँगी। आप इसको फेशियल रेजर यूज़ कर सकते हैं अपने फेशियल हेयर को निकालने के लिए।
तो यह वीडियो समझ में आ गई होगी कि आपको फेशियल रेजर कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जी हाँ, मिलती हूँ एक नए टिप्स के साथ और एक नए मेकअप लुक के साथ और एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।